लंकेश पुत्र मेघनाद श्री राम की सेना पर भारी पड़ता जा रहा था। जिस ओर वो मुड़ता उसी ओर का मैदान वानर योद्धाओं से खाली हो जाता। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसका मारा जाना असंभव था। देवलोक में चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में देवराज इंद्र के मन में भय व्याप्त हो गया। मेघनाद से वो पहले ही परास्त हो चुके थे, इसीलिए देव ऋषि नारद के परामर्श से वो अपनी भार्या शची के साथ महादेव से सहायता पाने के लिए कैलाश पहुंचे। क्योंकि नारद ने उन्हें पहले ही बता दिया था, जिस नाग सिद्ध तुनीर और दिव्य अस्त्र से मेघनाद का अंत होगा वो शिव पुत्र कुमार कार्तिक के ही पास है। अब किसी भी स्थिति में उन्हें वो तुनीर और दिव्य अस्त्र प्राप्त करना था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगता है यहाँ कोई नहीं। कैलाश छोड़कर महादेव और देवी पार्वती कहाँ जा सकते हैं? चलिए देवी पार्वती के क्षेत्र में चलते हैं, हमें मिलना तो उन्हीं से है ना। ठहरिए देवराज। नंदी तुम यहाँ? महादेव और देवी पार्वती कहाँ हैं? क्षमा करें देवराज, महादेव इस समय साधना में लीन है, आप माता पार्वती से मिल सकते हैं। चलिए मैं आपको देवी पार्वती के पास ले चलता हूँ। प्रणाम देवी पार्वती। देवेंद्र, देवलोक में सब कुशल तो है? हे अंबे, देवद्रोही रावण और उसके पुत्र मेघनाद के कारण संपूर्ण देवलोक संकट में है। आपकी सहायता के बिना उनका अंत कभी संभव नहीं है। किंतु रावण और उसका पुत्र तो महादेव के परम भक्त हैं। तभी तो हम आपके पास आए हैं देवी। मैं महादेव के विरुद्ध कर ही क्या सकती हूँ देवेंद्र, इसके लिए तो महादेव ही कोई निर्णय ले सकते हैं। परंतु तुम्हें कैसी सहायता चाहिए इंद्रनी? मेघनाद के पास नाग सिद्ध तुनीर और दिव्यास्त्र है देवी। यदि कुमार कार्तिक हमें अपने तुनीर और दिव्यास्त्र दे दे तो उससे मेघनाद का अंत हो सकता है और उसका अंत देवलोक का संकट दूर करेगा। ठीक है देवी, हम अभी इसकी व्यवस्था करते हैं। देवी पार्वती की जय हो। देवी पार्वती की जय हो। देवी सची, अब हमें जल्दी से जल्दी श्रीराम के पास नाग सिद्ध तुनीर और दिव्यास्त्र भेज देना चाहिए। इसके साथ हमें श्रीराम के लिए रथ भी भेजना होगा स्वामी, क्योंकि श्रीराम वनवासियों की तरह पैदल ही युद्ध में लड़ रहे हैं। पर ये कार्य तो देवसारथी मातली ही कर सकते हैं देवी। इसीलिए तो हमने मातली को पहले ही बुला लिया था, वो देखिए। देवराज इंद्र की जय हो। आदेश दें देवेंद्र। तुमने उचित समय पर आकर हमारी समस्या समाप्त कर दी है मातली। तुम अभी मेरा दिव्य रथ लेकर लंका जाओ, वहां श्रीराम को ये रथ और दिव्यास्त्र दे दो और श्रीराम को बता दो कि इन शस्त्रों से लंकेश पुत्र मेघनाद का वध होगा। मैं अभी प्रस्थान करता हूँ देवेंद्र। और हाँ, उनसे कहना कि इंद्रलोकवासी उनके मंगल की कामना करते हैं। अवश्य देवेंद्र। देवी सुलोचना, आप इस समय यहाँ? क्या बात है देवी? अरे देवी, क्या हुआ देवी? कहीं रणभूमि से कोई सूचना तो नहीं आई?
यही तो मेरी चिंता है वासंती। रात्रि इतनी भयानक लग रही है कि मुझे भय लगने लगा है। नींद नहीं आ रही, मन कई आशंकाओं से घिर गया है। परंतु क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, व्यर्थ की चिंता क्यों कर रही हैं आप? युवराज तो कहकर गए थे कि मैं शीघ्र लौट आऊंगा, परंतु अभी तक उनकी कोई सूचना भी नहीं मिली। ये विलंब मुझसे सहा नहीं जाता। महाबली इंद्रजीत को कुछ नहीं होगा देवी, भला उनसे शक्तिशाली इस संसार में कौन है? तात कुंभकर्ण भी तो शक्तिशाली थे, सुना नहीं उनकी कैसी दुर्दशा हुई। मैंने तो सुना है कि सागर तट पर उनका मृत शरीर अभी भी पड़ा हुआ है। अब इससे भयानक और क्या हो सकता है? इंद्रजीत और महाबली कुंभ में बहुत अंतर है देवी। युवराज मेघनाद अमर हैं, उन्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। मुझे बातों से भ्रमित ना करो वासंती, तुम अभी रणभूमि में चलो। मैं अभी इसी समय अपने पति से मिलना चाहती हूँ। आप समर भूमि में कैसे चल सकती हैं देवी? लंका चारों ओर से राम की सेना से घिरी हुई है, भयानक वानरों ने लंका द्वार को घेर रखा है। हम तो समर भूमि जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं दानव नंदिनी राक्षस कुलवधू हूँ, मुझे किसी से भय नहीं है। तुम क्या समझती हो कि राम की सेना से डरकर मैं अपने पति से मिलने का विचार त्याग दूंगी? आज देख ही लेती हूँ कि उस राम में कितनी शक्ति है। जब आपने सोच ही लिया है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ देवी। चलिए मेरे साथ आइए। इधर मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति को देखने के लिए युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी थी, और उधर देवराज के भेजे शस्त्र राम के पास पहुँचने वाले थे। कोई नहीं जानता था कि सुलोचना अपने पति के जीते जी उसके दर्शन भी पाएगी या नहीं। दशरथ नंदन श्री राम की जय हो। ठहरो, आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दो, कौन हो तुम? आप आशंकित ना हो सौमित्र, हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। हमें देवराज इंद्र ने भेजा है। इन्हें आने दो लक्ष्मण, ये देव सारथी मातली। ओ, क्षमा करें देवदूत, मुझे लगा कि कोई मायावी तो नहीं आ गया। मायावी शक्तियों के विनाश के लिए दिव्यास्त्र लेकर आया हूँ श्री राम। ये नाग सिद्ध तुनीर और ये है दिव्यास्त्र, जिससे आप मेघनाद का वध कर सकते हैं। और ये दिव्य रथ भी देवेंद्र ने आपको भेंट के रूप में भेजा है। देवेंद्र और देवी पार्वती के प्रति मैं कैसे आभार प्रकट करूं? मातली, उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद दीजिए। उन्होंने हमारे लिए जो शुभकामना भेजी है उसका मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकता। कितना सुंदर धनुष है भैया। ये केवल सुंदर ही नहीं लक्ष्मण, इसमें वो शक्तियां हैं जो रावण के पुत्र का वध करेगी। इसे तुम ही संभालो, अब तुम ही अयोध्या राजवंश के आधार हो। जाओ, देवों की कृपा से असंभव को संभव करो। प्रभु श्री राम की जय। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षि चढ़े कौशल पुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। लंका की वीरांगनाओं, आओ आगे बढ़ो, अपने भुजबल से राम की सेना को भेद डालो। अब हमारी युद्ध भूमि में प्रवेश करने का समय आ गया है। अपनी लंका को बचाने के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाएं, तो हमें इसका कोई दुख नहीं। लंका के कुल दीपक इंद्रजीत की रक्षा के लिए चाहे जो भी मूल्य चुकाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। देवी सुलोचना की जय। जय श्री राम।
रात्रि की इस बेला में हमारे शिविर की ओर कौन आ रहा है? किसे अपने प्राणों का मोह नहीं है? स्त्री के वेश में कौन हो तुम? मैं राम का सेवक हूँ, अपने बाहुबल से राक्षसों की माया का मर्दन करने वाला हनुमान हूँ मैं। यदि अपना भला चाहते हो तो हमारा मार्ग छोड़ दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। जाओ अपने स्वामी को सूचना दो कि महातेज महाबली इंद्रजीत की भार्या सुलोचना अपने पति से मिलने आई है। मैं अपने प्रभु को तभी सूचना दे सकता हूँ जब तुम मुझे परास्त कर दो, अन्यथा तुम क्या कोई भी इस सीमा को पार करके प्रभु श्री राम तक नहीं पहुँच सकता। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो वानर। राम की सेना में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो मेरा मार्ग रोक सके। अच्छा, ऐसा अहंकार? सुलोचना का साहस देखकर हनुमान सोच में पड़ गए। वो किसी स्त्री पर ना तो हाथ उठा सकते थे और ना ही पहरा देना छोड़कर कहीं जा सकते थे। अंततः उन्होंने सुलोचना से निवेदन किया कि उसे प्रभु श्री राम से जो भी कहना है उनसे कहें, वो श्री राम तक उसकी सूचना पहुंचा देंगे। किंतु सुलोचना इस पर सहमत नहीं हुई और चुनौती देने लगी कि राम अपने को शिविर के बंधन में क्यों बांधे हुए हैं, किसका भय है उन्हें? देखी चकित भय महावीर महाटल विश्वास हठ पर अड़ बैठी वो नारी हठ पर अड़ बैठी वो नारी पति मिलन की आस। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग जावा। रामायण।